आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है। संगीत और मेहंदी सेरेमनी के बाद कल दोनों विवाह बंधन में बंधेंगे। इन दोनों की दो बार शादी होगी, एक हिंदू पद्धति से तो फिर एक क्रिश्चियन तरीके से। इनकी शादी में भाग लेने बॉलीवुड समेत अन्य क्षेत्रों के नामी लोग जोधपुर पहुंच गए हैं। जोधपुर के उम्मेद भवन की डेकोरेशन की कुछ फुटेज लीक हो चुकी हैं, साथ ही उम्मेद भवन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर कल से खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मेहमानों के लिए सिट डाउन डिनर व्यवस्था की गई है। पीछे मध्यम धुन में मधुर संगीत और लाइट्स की सजावटों के बीच सभी मेहमान बैठकर डिनर कर रहे हैं। इसे निकियांग की प्री वेडिंग सेरेमनी का बताया जा रहा है। बता दें कि प्रियंका की संगीत सेरेमनी में शामिल होने के लिए मुकेश अंबानी भी सपरिवार पहुंचे। वे अपनी पत्नी नीता अंबानी, बेटे अनंत और बेटी ईशा संग एयरपोर्ट पर नजर आए। प्रियंका की संगीत सेरेमनी के लिए उम्मेद पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया है। संगीत सेरेमनी की थीम राजस्थानी रखी गई। 2 दिसंबर को प्रियंका और निक 7 फेरे लेंगे, फिर क्रिश्चियन रीति रिवाज से भी इनका विवाह होगा। प्रियंका के मेहमानों की लिस्ट में देसी और विदेशी दोनों मेहमान शामिल होंगे। सबसे पहले शुक्रवार को सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता अपने बेटे आहिल को लेकर जोधपुर पहुंची। इसके बाद जाने माने मेकअप मैन मिकी कॉन्ट्रैक्टर और फैशन डिजाइनर सव्यसाची भी जोधपुर पहुंचे। जानी मानी सिंगर मानसी स्कॉट भी इस शादी का हिस्सा बनने जोधपुर पहुंची हैं। मानसी स्कॉट के साथ उनकी टीम भी आई है, जो इस शादी में परफॉर्मेंस करेगी। शादी की बात करें तो 2 दिसंबर 2018 को दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। प्रियंका निक एक ही दिन में दोनों रीति रिवाजों के साथ शादी करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।